अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो वासी ते लईए तो बहर आने वाले लोग जरा डेदे पैन। तो मैं पहले भी जितना भी कोई टीचर रिटायर थे, हमेशा मैं कोशिश की थी कि उन्हें टीचर को इज्जत लेवन के हवाले ना मैं एक वीडियो लाजमी बनावा। तो उस हवाले नाल एक सारे टीचर सर हफीज सिंह साहब जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट तलुक रखते हैं, अज उन्होंने रिटायरमेंट है डिग्री कॉलेज लिया, तो अस उत आए हैं। हाँ जी, इस वीडियो में तो काफ़ी सारे ऐसे टीचर मिल सकते जिन्होंने तुम डायरेक्ट पढ़े हो सो या उन्होंने जानते हो सो, तो कमेंट के लाजमी दसा कि टीचर को पढ़ते रहे, तो डिग्री कॉलेज के टीचर तुरा फेवरेट टीचर है। जिमें से तो मेरे से मैं डिग्री कॉलेज आया उदा सर हफीज सिंह साहब के जो रिटायरमेंट है, तो उन्होंने जो कुलीग हैं जरा जिन्हें उन्होंने काफ़ी अरसा गुजारा है, तो अस उन्होंने व्यूज गिन करने कि वो एज अ टीचर तो सारे वास्ते आइडियल हैं, तो एज अ दोस्त एज अ कुलीग वो किमें रह गए, तो थोड़ी मुलाकात कर दें सर बिलाल मिर्जा साहब ने। मैं ये कहना चाहूँगा कि हफीज साहब जो हैं एक बहुत बड़ा मोतबर हवाला है लगे के इल्मी हवाले से, बहसियत मुअल्लिम उनकी कद काठ बहुत नुमाया है। उसके अलावा उनकी ज़िंदगी के दो और पहलू भी हैं, एक समाजी एक सियासी। समाजी तौर पर हमने ये देखा कि किसी बच्चे का कोई मसला है फीस के हवाले से, किताबों के हवाले से, यूनिफॉर्म के हवाले से, तो मुमकिन हद तक न सिर्फ ख़ुद पूरी की बल्कि हम अहबाब को भी गाहे बगाए वो डील करते रहे कि भाई आप इनका सहारा बने। दूसरा उनका सियासी पहलू जो है अगर देखा जाए तो दो दफ़ा डिविजनल जनरल सेक्रेटरी PPLA के फोरम के ऊपर तरीके असाज़ा की तरफ से मुंतखब हुए। उनकी ग्रां कदर जो खिदमात हैं किसी ढकी छुपी नहीं है, लडर बेखौफ की आदत, मैं कहता हूँ जितनी कम्युनिटी की उन्होंने ये खिदमत की है शायद ही डिवीज़न या पंजाब भर में किसी ने की हो। यकीनन वालिद मोहतरम के लिए यही अल्फाज हैं कि वो जिधर भी गए, चाहे अपने ख़ानदान के लिए उनकी खिदमात थी, चाहे कॉलेज कम्युनिटी के लिए उनकी खिदमात थी, चाहे अपने शहर के लिए उनकी कोई खिदमात थी, उन्होंने हमेशा अपनी जो उनकी अनाज थी उसको साइड पर रखा और हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भरपूर किरदार अदा किया। मैं दावत दूंगा इनके प्रोफेसर मारफीतुल्लाह सिंह साहब के जो भाई हैं मोहम्मद रमजान साहब को, जो वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्याल का इजहार करें। मैं अपने बड़े भाई, अपने मोहसिन, अपने उस्ताद, अपनी आइडियल शख्सियत प्रोफेसर हफीजुल्लाह तीन साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी 35 साल सर्विस इंतहाई ईमानदारी से गुजार दी। आज की तकरीब मेरे उस्ताद, मेरे कायद, मेरे लीडर और मेरे बड़े भाई महार हफीज़ुल्लाह साहब की रिटायरमेंट के सिलसिले में मुनक़िद हुई,
सबसे पहले मैं अपने उस्ताद मोहतरम को 35 साल की एक खूबसूरत और कामयाब इनिंग्स खेलने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इल्म की खिदमत की है, इसी इदारा में रहे, ये बहुत बड़ा एजाज है कि 35 साल इन्होंने इसी इदारे में ही गुजार दिए हैं। तो मैं आपकी तालीम की गूंज में उनको बुलाना चाहूँगा कि वो अपनी लाइफ स्टोरी जो है वो हमें सुनाए। प्रोफेसर हफीजुल्लाह हिंद साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। ये आज का प्रोग्राम जो है ये आपके एजाज में मुनक्किद किया गया। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सैयदी या रसूलल्लाह। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम जो असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरी रिटायरमेंट के फंक्शन में मेरे असातिज़ा जनाब मोहतरम काजी अख्तर साहब और जनाब मोहतरम अफजल हक साहब मौजूद हैं। सारे दोस्त बैठे हैं, किसी से मेरी तलब कलामी हुई है, कोई बात हुई है, मैं बड़े खुले दिल से माजर खा हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, स्पेशली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ग्रेजुएट कॉलेज लैया जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, थैंक यू। कैसे लगी तो बस ये एक टीचर को खराज तहसीन पेश करने वास्ते एक मैं वीडियो पढ़ी है, तो उम्मीद करना तो पसंद ही होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये नवी जगह तो मिलसूँ, अपने तो अपने नाल रहने का प्यार कैसे अल्लाह सोने दिया।